नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम देखने वाले हैं रेट एनालिसिस सीरीज का हमारा 11वां वीडियो। इसमें हम देखेंगे पेंटिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें कितना पेंट लगता है, पर स्क्वायर मीटर कितना पेंट लगता है, पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट आता है, इसका हम डिटेल देखेंगे। पेंटिंग वर्क में कैसा है, ये कोई भी आइटम डिस्क्रिप्शन रहता है ना, वो डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्शन में जो भी रहता है, इंटर प्राइमर कोड, फाइन फिनिशिंग कोड, सिंगल कोड, डबल कोड, जो भी है, तो पूरा ठीक से पढ़ के उसके हिसाब से अपने को रेट एनालिसिस करना है। अभी पहला है एक्सटर्नल टेक्सचर पेंटिंग। इसमें कैसा रहा एक्सटर्नल टेक्सचर पेंटिंग, इसमें कैसे किधर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब दिया है। ड्राइंग कितना करना है, टू कोर्स है, वो सब ठीक से पढ़ना है। तो अभी अब हम एनालिसिस देखेंगे। डिटेल्स कॉस्ट पर वन स्क्वायर मीटर मटेरियल। अभी ये टेक्सचर पेंट हमने अभी फिलहाल एशियन पेंट्स कंसिडर किया है। टेक्सचर पेंट ये कवरेज इसका 0.22 स्क्वायर मीटर पर kg है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आ गया 0.45 kg। ये डबल है इसके लिए, डबल कोट। और रेट है इसका 66.15 एशियन पेंट्स के एक कुछ उन्होंने रेट्स लिए। उसके बाद वाटरप्रूफ इमल्शन पेंट, इसका कवरेज है 2 quarts 3.5 स्क्वायर मीटर पर लीटर। इस आ गया 0.30 लीटर, ये मतलब लीटर में। इसका रेट आया है 297.72। ये आ गया अमाउंट। स्टेजिंग स्कैफोल्डिंग, इसमें हम लोग एज पर सीपीडब्ल्यू रूडी के कोर्स के लिया है 1.49 1.49। टोटल मटेरियल आ गया 122.59। अभी लेबर फॉर टेक्सचर पेंट, एक पेंटर 0.06 600 उसका हाजिरी है, यह अमाउंट आ गया। ए हेल्पर 0.04 का ये उसका हाजिरी है, यह अमाउंट है। ब्रशेस, सैंड पेपर, ये सब जो मटेरियल है इसका 0.715 1.49 ये आ गया। और वेदर प्रूफ वाटर प्रूफ वेदर प्रूफ इमर्शन पेंट के लिए पेंटर 0.06 ये हाजिरी है, ये अमाउंट आ गया। ये पुली या फिर हेल्पर 0.04 400 आ गया, ये अमाउंट आ गया। ब्रशेस, सैंड पेपर 0.715 1.49 1.07। ये जो है लिया है, ये सब CPW के रेफरेंस से लिया हुआ है इसमें, तो इसके हिसाब से ये रेट्स है। तो ऐड पॉइंट रेट्स और कॉन्स्टेंट्स भी CPW के हिसाब से है। ऐड 25% ऑफ लेबर ऑन एडिशनल हाइट, अगर एडिशनल हाइट हो तो उतना ऐड करना पड़ता है। तो टोटल लेबर आ गया 132। तो टोटल मटेरियल प्लस लेबर आ गया ये 122 प्लस 132 255.26। इसमें सन्डरीज टाउन टूल्स एंड प्लांट्स 1% 2.53, वाटर एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस 1% 2.53, टोटल आ गया 260। इसमें ओवरहेड प्रॉफिट 15%, तो 39 क्या, तो 299.42 पर स्क्वायर मीटर। अभी सेकंड है एक्रेलिक इमल्शन पेंटिंग। इसमें कैसा है, वॉल केयर पुट्टी 2 quarts इसमें दिया हुआ, पूरा डिस्क्रिप्शन में देखिए वॉल केयर पुट्टी मेंशन किया है, कौन कौन सा थिकनेस क्या है, कितना कोट है, क्या है, वो सब डिटेल मेंशन किया है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वॉल केयर पुट्टी 2 quarts, इसमें 1.8 kg, कवरेज है 0.58 स्क्वायर मीटर पर kg। तो 2 quarts हो गया, ये 1 square meter के लिए 1.8 kg, इसका रेट 33.75 ये अमाउंट होगा। प्राइमर एशियन पकड़ा, कवरेज 6 square meter पर लीटर, तो ये आ गया 0.167 लीटर और ये रेट आ गया, ये इसका अमाउंट आ गया। अब एक्रेलिक इमल्शन 2 quarts, कवरेज 6 square meter पर लीटर, 0.167 लीटर, 213 रेट आ गया, ये अमाउंट आ गया। अभी लेबर फॉर पुट्टी, पेंटर है 0.05 600, हेल्पर है 0.05 400, ये अमाउंट आ गया। ब्रशेस, एंड पेपर 1.079 1.49 1.65। एक्रेलिक इमल्शन के लिए पेंटर 0.05 600, पुली 0.05 400, ब्रशेस, सैंड पेपर 1.079 1.49, टोटल मटेरियल प्लस लेबर 213.31। उस प्लांट्स 1% ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1% ऐड किया, इसके बाद टोटल आ गया ये ओवरहेड प्रॉफिट 15% ऐड किया तो 32 रुपये, टोटल आ गया 250 रुपये 21 पैसे। अभी रेट एनालिसिस फॉर वेदर प्रूफ पेंटिंग, 1 square meter के लिए निकालना है।
वेदर को पेंट जो रहेगा ये 0.3 टू कोट्स 3 लीटर पर 10 स्क्वायर मीटर, इसके हिसाब से 0.3 लीटर इसमें रेट आ गया 297.72 अमाउंट ये आ गया। प्राइमर आ गया कवरेज 3 लीटर पर 10 स्क्वायर मीटर, तो उसके हिसाब से 0.30 kg 60 रुपये रेट है, ये 18 अमाउंट आ गया। कैरेज ऑफ मटेरियल 0.156 लमसम 1.49, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया 107.55। इसके बाद स्टेजिंग चार्जेस 20 रुपये कंसिडर किया है। अभी पेंटर का 0.06 पर डे 600 रुपीज, टोटल आ गया 36। हेल्पर का 0.035 डे 400 रुपीज, 14 आ गया। ब्रशेस सैंड पेपर 0.715 1.49, तो टोटल लेबर आ गया 51.07, तो मटेरियल प्लस लेबर कितना आ गया 178.61। सनरीज टूल्स प्लांट्स 1%, वाटर इलेक्ट्रिक चार्जेस 1%, टोटल आ गया 182.19। ओवरहेड प्रॉफिट 15%, 27.33, तो टोटल आ गया 33। रेट पर स्क्वायर मीटर 209.51 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, इस हिसाब से हम टोटल रेट एनालिसिस करते हैं। इसमें कैसा है, मेनली कौन सा पेंट है, कितना कोट है और कवरेज कितना है, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद लेबर रेट जो भी ऐड करना है, और फिर स्कैफोल्डिंग टूल्स और प्लांट्स जो भी यूज किया, इसके बाद वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ओवरहेड प्रॉफिट्स, ये सब ध्यान में रखे एनालिसिस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेंटिंग का रेट एनालिसिस का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।